हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाको जंक्शन। एंड हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीजें बिजनेस के बारे में सीखी। एंड आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है यू नो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा या जो लास्ट चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था कि क्या वो फैक्टर्स है जो बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। उसमें से एक का आंसर आज हम देंगे। यू नो, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में ये भी आती है कि यार हम कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, एंड उसको कैसे आपको चूज करना है वो हम चैप्टर 2 में हर फॉर्म की यू नो एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और अपनी नीड के अनुसार उसको कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। एंड यू नो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन सी वो फॉर्म्स है, उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन जरूर देखेंगे। एंड फिर अपकमिंग वीडियोस में यू नो सिलेबस का पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज योर चैप्टर 2। एंड अगर मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वी हैव 5 फॉर्म्स: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में हम इन 5 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या अभी भी डिसएडवांटेजेस है, कैसे हमें अपनी नीड के अनुसार मतलब कैसे कौन सी फॉर्म को हमें सेलेक्ट करना है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सीखेंगे, ताकि जब हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाए, ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो जाएगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? देखो, जब आपने ना मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप ही देखा होगा, जब आप अगर राशन लेने जाते हो, नीचे एक अंकल जी बैठे हैं ग्रोसरी शॉप खोल के, वो अकेले ही सब मैनेज कर लेते हैं, और पैसा भी उन्होंने लगाया, मैनेज भी वही करते हैं, कंट्रोल भी वही करते हैं। यानी कि वो क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपके वहाँ कोई दूध की दुकान होगी, वहां से आप दूध लेके आते होंगे, है ना, कोई दूध ही आपके घर आता हो, क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। आप कभी पार्लर गए होंगे या फिर बार्बर की शॉप में गए होंगे, तो ये सारे एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले आपको ये समझना है कि सोल का मतलब होता है ओनली, एंड प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। यानी कि इकलौता ओनर होता है इस केस में, एक ही बंदा है जो सब कुछ करता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेटर है। अभी देखो, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको भी बताया कि सोल का मतलब इकलौता, है ना, एक ही बंदा है यहाँ पे सब कुछ करने वाला। सबसे मेन फीचर यहाँ पे यही है कि ओन मतलब पैसा भी वही लगा रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है, कंट्रोल भी वही कर रहा है। यानी कि एक सिंगल बंदा ओन मैनेज एंड कंट्रोल करता है, जिस केस में उसको सोल प्रोप्राइटरशिप हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेहतर है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, आपके वहाँ कोई ग्रोसरी शॉप होगी, पार्लर होगा, बार्बर की शॉप है, चाय की दुकान है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप के। जब अकेला बंदा सब कुछ मैनेज करेगा, ऑन भी वही करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा, तो भैया बड़े बिजनेस तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि अकेला ही है। तो इस केस में वो सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस को हैंडल कर सकता है, और स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही सोल प्रोप्राइटरशिप बेहतर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप फॉर्म। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड आ रहा है पार्टनर, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, एंड मैक्सिमम यहाँ पे 100 हो सकते हैं। अब 2 क्यों होने चाहिए मिनिमम, तभी तो पार्टनर बोलेंगे ना, अकेला है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। बट आप 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ मिलके बिजनेस कर रहे हो, दैट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, दैट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म हम इस जिसे बोलते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लू, मैं जो हूँ, मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ, यानी कि मैंने अपना ऑफिस भी खोला हुआ है, एंड मेरा जो ऑफिस है
इट इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज हम लोग दो सीएज है जो मिलके ऑफिस को रन करते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज पार्टनरशिप. दोनों हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिलके अपनी सीए की प्रैक्टिस करेंगे. यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनरशिप हो गया. यानी कि ये पर्टिकुलर फॉर्म में बोलता है कि मिनिमम यहाँ पे दो बंदे होने चाहिए, दो पार्टनर इज मैंडेटरी, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 100 बंदे हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स हो सकते हैं. तो सबसे पहला केस यहाँ पे क्या होंगे, पार्टनर्स. ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्म को कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इस पर्टिकुलर एक्ट में सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कैसे पार्टनरशिप फॉर्म को मैनेज करना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करना है. ये सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है. और जितनी भी पार्टनरशिप इंडिया में है उन सबको यू नो गवर्न करने वाले, कंट्रोल करने वाला एक ही एक्ट है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. देखो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम एक जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा है. अपकमिंग वीडियोस में हम एक एक पे, जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप पर से उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर्स, उसके डिसएडवांटेजेस, सब चीजें हम सीखेंगे, इनके डिफरेंसेस सीखेंगे. तो इट इज जस्ट अ बेसिक डिस्कशन ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, यानी कि पुरानी फॉर्म्स में से एक ये भी है. बट अगर कोई आपको ये पूछे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से सबसे पुरानी फॉर्म कौन सी है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ही लिख के आइएगा. कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो सब स्टार्ट ही वहीं से हुई थी चीजें, है ना. बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये वर्ड लिखा है कि हाँ बट पुराने में से एक ये भी है. आई होप आपको ये शब्द समझ आया होगा. अच्छा, इसको कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ. ठीक है, एक हिंदू लॉ बना हुआ है हिंदू के यू नो कस्टम्स के अकॉर्डिंग, वो ही चीज इसको गवर्न करती है. इसमें एक होता है कर्ता. अब आप बोलोगे कर्ता कौन होता है. देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप ये समझो इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस. ठीक है, बट वो बंदा जो मतलब मेन है, जो सब कुछ मैनेज करता है, जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, उसको हम कर्ता बोलते हैं. इसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ये आप सोचोगे क्या है इसका मतलब. डोंट वरी, अपकमिंग वीडियोस में सब एक एक चीज हमारे दिमाग में छप जाएगी, आप टेंशन मत लो. ठीक है, ये करता मतलब वो मेन बंदा है ना, जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. एंड जो बाकी मेंबर्स है फैमिली के, उसे हम बोलते हैं को पार्टनर्स. क्लियर. अच्छा, अब नेक्स्ट फॉर्म का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. वर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड ही आया कोऑपरेशन से. कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मिलकर एक दूसरे की मदद करना, ना. यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ यू नो पीपल होते हैं, जैसे मेंबर्स बोला जाता है, वो लोग साथ में काम करते हैं कोई कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूँ, तो ये जो पर्टिकुलर यू नो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, कि जो इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है उन्हीं का हमें वेलफेयर करना है, बेनिफिट कराना है. अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, यू नो एक ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, यानी कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, और वही ट्रेडर्स उसके मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए यू नो एक दूसरे को सुरक्षा के लिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं. ऐसे ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, यू नो ऑटो वाले होते हैं उनकी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. तो ये मिल बांट के डिसीजन लेते हैं. तभी तो आपने देखा होगा ना कि सारे ट्रेडर्स एक ही रेट पर सामान बेच रहे, क्योंकि वो उनकी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डिस्कस करके यू नो वो लागू किया है कि भाई हम इतने में देंगे. ऑटो वाले को जब फेयर बढ़ाना होता है, उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मिलके फिक्स करती है, और फिर उसी पे सारे को एग्री करना होता है. ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट जो फॉर्म है, जिस चैप्टर की लास्ट फॉर्म भी है, दैट इज अ कंपनी. कंपनी क्या होती है, सबसे पहले इसका जो मेन फीचर यहाँ पर लिखा है, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. यानी कि कानून की नजरों में कंपनी का अलग अस्तित्व है. इसका मतलब कंपनी की नजरों में, मतलब लॉ की नजरों में, यू नो गवर्नमेंट की नजरों में, कानून की नजरों में, तो आपकी कंपनी और आप दोनों अलग अलग बंदे माने जाओगे. ठीक है, ये मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का. इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो नेचुरल तो नहीं बन पाएगा, बट है ना आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में हम उसको बोल सकते हैं.
फिर से समझते हैं, इस केस में जिसने कंपनी स्टार्ट की है वो बंदा एंड दैट कंपनी, उनको अलग अलग माना जाएगा कानून की नजरों में, दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, उस बंदे को अगर कुछ खरीदना है तो उसे अपने नाम से खरीदना पड़ेगा, उसको कोई लोन लेना है तो उसे अपने नाम से लेना पड़ेगा। बट अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी खुद से लोन ले सकती है, खुद के नाम पे असेट्स को रख सकती है, खुद के नाम पे उसकी लाइबिलिटीज होती है, कोई कंपनी को केस कर सकता है, कंपनी के नाम से किसी को केस किया जा सकता है, यानी कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में गवर्नमेंट ने बना रखा है। अच्छा, कंपनी को कौन मैनेज करता है, कंपनीज को मैनेज करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, तो जितनी भी इंडिया में कंपनीज है उन सबको गवर्न करती है। सबसे पहले 1956 था, बट उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, अभी फिलहाल कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज शेयर होल्डर। देखो जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे होगे तो आपने अकाउंट्स में कैपिटल वर्ड सुना होगा, कैपिटल यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम वही कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, बट कंपनी में जो ऑनर्स होते हैं, वो जो पैसा लगाते हैं ऑनर्स को, यहाँ पे शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोप्राइटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जो कंपनी को मैनेज करता है, जो मैनेजर जिसको नॉर्मली हम लैंग्वेज में बोलते हैं, कंपनी के लिए उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड शॉर्ट में उसको बीओडी बोला जाता है। क्लियर, तो अभी हमने क्या क्या सीखा, मतलब ऐसा सब कुछ बड़ा नहीं सीखा, बट हम मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ताकि कल जब हम चैप्टर्स पे जंप करें तो हमें बेटर क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ जाए। एटलीस्ट हमें एक ओवरव्यू, हेलीकॉप्टर व्यू मिल चुका है कि भैया ऊपर से बैठे बैठे चैप्टर टू में क्या क्या है अपना देख लिया अपन ने, अगर डीप तो डाइव हम कल करेंगे, है ना। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बंदा ओन भी करता है, मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, और ये पर्टिकुलर फॉर्म किसके लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जो स्मॉल बिजनेस है, क्योंकि अकेले बंदे को सब कुछ करना है तो भैया स्मॉल बिजनेस ही हैंडल कर पाएगा। सेकेंड पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, और इसको गवर्न कौन करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, काइंड ऑफ अ फैमिली बिजनेस, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है और इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ। इसमें जो मेन पर्सन है जो सारे डिसीजन लेता है और जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है उसको हम कर्ता बोलते हैं, और जितने भी अदर फैमिली के मेम्बर्स है उसको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, सब लोग मिलके एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, सारे मेंबर्स एक दूसरे के बेनिफिट के लिए यहाँ पे काम करते हैं। एंड कंपनी में सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नजरों में आप और आपकी कंपनी को अलग अलग माना जाएगा, आपकी अलग अलग एग्जिस्टेंस मानी जाएगी। कंपनी अपने नाम से कुछ भी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, लोन ले सकती है, अपने नाम पे असेट्स को रख सकती है। एंड कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं शेयर होल्डर्स, एंड जो कंपनी को मैनेज करते हैं उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये काइंड ऑफ हमने छोटा छोटा डिस्कशन किया, अभी जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू लिया है, कल से हम सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करेंगे, उसका फिर से मतलब क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट्स है, यानी कि एडवांटेजेस क्या है, क्या उसमें कमियां है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ऐसे ही हम जितने भी 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपको ने देखा इन सब को हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आपको इस ओवरव्यू को समझ आया है, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना समझ आता है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, एंड आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है, सजेशन है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं उनको ज़रूर रीड करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो एंड आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।